जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के नौ मुख्य स्वरूपों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नौ दिनों में नवदुर्गा की विशेष उपासना करने से सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है, साथ ही इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। बता दें, साल 2024 में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना करने का बहुत महत्व होता है। इस कलश की 9 दिन तक पूजा की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना करके ही सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके साथ ही 9 दिन के व्रत की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में घट स्थापना का मुहूर्त और घट स्थापना की सटीक विधि। तो आइए जानते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक भी घट स्थापना कर सकते हैं। ये 4:11 का समय कलश स्थापना के लिए शुभ है। जो लोग अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए इस बार नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए सिर्फ 50 का ही समय मिल रहा है। इस बार अभिजीत घट स्थापना का मुहूर्त 9 अप्रैल को दोपहर 12:03 से 12:54 तक है। तो चलिए आगे आपको बता दें घट स्थापना की पूरी व सटीक विधि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके जिस जगह पर कलश स्थापना करना है वहां गंगा जल छिड़कें। फिर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधें। कलश के चारों ओर अशोक के पत्ते लगाएं। फिर कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें और एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावे से बांधें। फिर इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप जलाकर कलश की पूजा करें। ध्यान रखें कि कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का ही हो। बताते चलें, स्टील या किसी अन्य अशुद्ध धातु का कलश घट स्थापना के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस विधि से घट स्थापना करते हैं तो आपको पूजन के शुभ फल मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।